सो गाइस करते हैं आज की भी न्यूज शुरू। नाम वाम आपको पता ही होगा। वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नाउ विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइस शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज Xiaomi के साथ। Xiaomi इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट की अगर हम माने तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका है व्हेन इट कम्स टू स्मार्टफोन। Samsung पहले नंबर पे है और Xiaomi ने सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई है सेकंड नंबर पे। ये स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड जो है ये आ चुका है और लग रहा है कि यार बहुत जल्दी इस ग्रोथ के पैटर्न को अगर हम देखें तो Xiaomi Samsung को भी भैया सरपास कर सकता है। अब यार स्मार्टफोन्स वगैरह तो अच्छे आ रहे हैं, अगर सॉफ्टवेयर लेवल पे भी Xiaomi अच्छा काम करना शुरू कर दे तो यार हमें इस ब्रांड से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वैसे आपको इस रिजल्ट के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और गाइस ऑनर की बात कर लेते हैं। ऑनर ने फाइनली ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि 12 अगस्त को ऑनर लॉन्च करने वाला है अपने ऑनर मैजिक 3 स्मार्टफोन को। काफी ये तगड़ा स्मार्टफोन होगा और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज इंडिया में भी ऑनर मैजिक 3 जो स्मार्टफोन है इसके आने के चांसेस बन रहे हैं। बहरहाल ऑनर मैजिक 3 ये जो जादुई स्मार्टफोन है इसके रेंडर्स और लाइव शॉट्स लीक हो गई है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द ऑनर मैजिक 3 स्मार्टफोन इज रिपोर्टेडली इज एलिजिबली गोइंग टू लुक लाइक। और गाइस मीडियाटेक की बात कर लेते हैं। मीडियाटेक आए दिन अपने डेमेंसिटी वाले प्रोसेसर्स वगैरह का तो अनवेल करता रहता है, बट हीलियो जो ब्रांडिंग है मीडियाटेक की इसके अंडर मीडियाटेक ने दो नए प्रोसेसर्स को अनवेल कर दिया है। इनका नाम है मीडियाटेक हीलियो G96 और साथ में मीडियाटेक हीलियो G88। ये जो दोनों प्रोसेसर्स हैं आपको ऑफकोर्स ये बजट फ्रेंडली मिड रेंज स्मार्टफोन्स में देखने को मिलने वाले हैं और इनकी स्पेसिफिकेशंस फीचर्स वगैरह मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और गाइस OnePlus अपने OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाला है जल्दी ही। और OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन के अलावा हमें इसी लॉन्च इवेंट में देखने को मिलने वाले हैं OnePlus के ब्रांड न्यू TWS। इनका नाम होगा OnePlus Buds Pro। और OnePlus Buds Pro जो है ये दिखेंगे कैसे, OnePlus ने ऑफिशियली इनको शोकेस कर दिया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द OnePlus Buds Pro आर डेफिनेटली गोइंग टू लुक लाइक। इनमें आपको एडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलेगी, साथ में 28 आवर्स का आपको मिलेगा बैटरी बैकअप, 38 आवर्स का बैटरी बैकअप होगा अगर आप ANC जो है इसको डिसेबल करके रखोगे। इसके अलावा गाइस वायरलेस चार्जिंग भी ये जो बड्स हैं सपोर्ट करने वाले हैं और 10 मिनट के चार्ज पे OnePlus के बड्स प्रो जो है ये आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करने वाले हैं। तो गाइस OnePlus के बड्स प्रो ये जो OnePlus के अभी तक के सबसे ज्यादा प्रीमियम जो TWS हैं ये भी आपको जल्दी ही अब मार्केट में देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस Realme के बारे में बात कर लेते हैं। एक हेड्स अप आपको देना चाहूंगा, Realme की तरफ से आज बहुत सारी खबरें निकल के आई हैं और पहला जो ये स्मार्टफोन है ये है Realme का G1। ये G1 है Realme का G1 जो स्मार्टफोन है इसका एलिजिबल मॉडल नंबर Realme RMX 3151 आज मैंने स्पॉट कर लिया है FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे। FCC के अगर हम माने तो स्मार्टफोन में हमें एक ग्लास बैक देखने को मिलने वाली है, साथ में Realme UI 2.0 पे ये स्मार्टफोन डब्बे से निकालते ही काम करेगा और साथ में आपको 8.5 mm की थिकनेस देखने को मिलेगी स्मार्टफोन में और एक अच्छी खासी 5000 mAh की बैटरी स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आई कहां से? अब यार रूमर्स तो कह रहे हैं कि ये जो RMX 3151 स्मार्टफोन है ये Realme G1 स्मार्टफोन हो सकता है। अगर ये Realme G1 ना भी हुआ तो Realme की तरफ से एक ग्लास बैक वाला ये स्मार्टफोन आपको जल्द ही ग्लोबल मार्केट में और ऑफ कोर्स इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। और गाइस Realme के आगे बहुत सारी बातें करेंगे, पहले बात कर लेते हैं Redmi की। तो गाइस Redmi 10 स्मार्टफोन तो जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, बट Redmi 10 पावर ये जो स्मार्टफोन है इसके एलिजिबल मॉडल नंबर को भी आज मैंने IMEI डेटाबेस वेबसाइट पे कर लिया है स्पॉट ग्लोबल वाली और साथ में इंडिया वाली जो IMEI डेटाबेस है हाँ ये बिल्कुल सच है, वहां पे भी Redmi का ये पावरफुल स्मार्टफोन आज लिस्ट हो गया। दैट मींस यस Redmi 10 स्मार्टफोन तो आएगा, Redmi 10 पावर स्मार्टफोन के भी जल्द ही लॉन्च होने के अब पूरे चांसेस हैं। और गाइस 5G के वैसे ट्रायल्स की बात करें तो सेलेक्ट इंडियन सिटीज में 5G ट्रायल्स वगैरह होने शुरू हो गए और एयरटेल ने अभी हाल ही में मुंबई में अपने जो 5G ट्रायल्स किए हैं उनमें तो यार एयरटेल ने कमाल कर दिया। 1.2 Gbps की आपको डाउनलोड स्पीड यहां पे देखने को मिलती है और साथ में 850 Mbps की अपलोड स्पीड जो है ये एयरटेल ने इस लेटेस्ट ट्रायल में अचीव कर ली है। और गाइस वैसे पावरफुल स्मार्टफोन्स की बात करें तो नोकिया का एक मैंडेटरी लीक तो भैया बनता है टेक्स्ट ऑफ में, मतलब अगर हमने नहीं नोकिया का कोई लीक आपको दिखाया तो जयकाल भैया बुरा मान जाएंगे, है ना? दिखा रहा हूं। कहीं ये प्राचीन भारतीय विज्ञान का नमूना तो नहीं? अगर ये उसी विज्ञान का एक नमूना है तो फिर हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। हाँ, हाँ। तो गाइस
गाइस नोकिया की अगर हम बात करें तो नोकिया का बहुत जल्दी आपको एक रगड़ सकने वाला रगेड स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है। इसका नाम होगा भैया नोकिया XR20। अभी तक इस स्मार्टफोन के बारे में बातें ही चल रही थी, बट ये जो स्मार्टफोन है इसके फर्स्ट एवर लाइव शॉट्स भी लीक हो गए हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द नोकिया XR20 स्मार्टफोन इज रिपोर्टेडली गोइंग टू लुक लाइक। आपको ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और गाइस कुछ लॉन्चेस की बात कर लेते हैं, नॉइस से शुरू करते हैं। नॉइस ने इंडिया में लॉन्च की है अपनी एक और नई स्मार्ट वॉच, इसका नाम है नॉइस कलर फिट अल्ट्रा। इस स्मार्ट वॉच में आपको देखने को मिलती है एक 1.75 इंच की डिस्प्ले, SPO2 मॉनिटरिंग है, 60 स्पोर्ट्स मोड्स है। और इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग की बात करें तो ये घड़ी आपको इंडिया में 4499 रुपीज में इंट्रोडक्टरी ऑफर के दौरान मिल जाएगी। बाद में इसकी प्राइसिंग भैया हो जाएगी 5999, 6000 रुपए से एक हाजमोला कम। ये जो घड़ी है ये दिखती कैसी है, इसकी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, सारी चीजें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और दूसरी लॉन्च की बात करेंगे तो Vivo ने फाइनली अपनी Vivo S10 सीरीज के स्मार्टफोन्स को फिलहाल के लिए चाइना में लॉन्च कर दिया है। Vivo S10, Vivo S10 Pro दोनों स्मार्टफोन्स की स्पेक्स और लुक्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम है। कैमरा वगैरह आपको थोड़े अलग-अलग देखने को मिलते हैं, 64 vs 108। इन दोनों स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइसिंग और ये स्मार्टफोन्स दिखते कैसे हैं ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और गाइस Realme पे फिर से आते हैं। Realme लॉन्च करने वाला है 21 जुलाई को अपने दो नए GT सीरीज के स्मार्टफोन्स, Realme GT Master Edition और साथ में Realme GT Master Explorer Edition। एक मिनट सांस लेके वापस आ रहा हूं, यार क्या खतरनाक नाम है। तो ये जो Realme GT Master Edition सीरीज के स्मार्टफोन्स हैं, आज Realme ने दोनों स्मार्टफोन्स को ऑफिशियली टीज कर दिया है। आपको मैं स्क्रीन पे ना साइड बाय साइड दिखा रहा हूं ये दोनों स्मार्टफोन्स। खाली जो LED फ्लैश है पीछे की तरफ जो होती है ना, जिससे आप अंधेरे में फोटोज वगैरह ले सकते हो, वो आपको थोड़ा सा अलग रीडिजाइन तरीके से देखने को मिलेगी। बाकी ये दोनों स्मार्टफोन्स मोर और लेस सेम होने वाले हैं। और साथ में गाइस Realme GT Master Explorer Edition जो स्मार्टफोन है, इसमें आज Realme ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि हमें Qualcomm का Snapdragon 870 प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। गाइस Redmi लॉन्च करने वाला है 20 जुलाई को अपने Redmi Note 10T स्मार्टफोन को। ये चीज तो वैसे ऑफिशियली कंफर्म है, तो आज की वीडियो में बात करते हैं कुछ लीक्स की। Redmi Note 11 Pro, yes you heard it right, Redmi Note 11 Pro जो स्मार्टफोन है उसके कॉन्सेप्ट रेंडर्स यहाँ पे लीक हो गए हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, दिस इज व्हाट Redmi Note 11 Pro स्मार्टफोन इज रिपोर्टेडली गोइंग टू लुक लाइक। आपको ये वैसे डिजाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और Redmi Note 11 सीरीज के लीक्स जो है भैया अभी से आने शुरू हो गया, तो लेके चलो Redmi Note 10 सीरीज होगी खत्म, अब Redmi Note 11 सीरीज भी हमें जल्दी ही मार्केट में देखने को मिलने वाली है। और गाइस वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बट पहले देख लेते हैं कल का पोल, व्हाट डू यू वांट मी टू कवर नेक्स्ट। यहां पे 71% लोगों ने बोला है कि यार बेस्ट स्मार्टफोन डील्स जो है ये कवर करो, तो ये आपको कल या फिर संडे को ये जो वीडियो है ये देखने को मिल जाएगी। और गाइस आज की वीडियो का पोल थोड़ा सा फन है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाला है। आपके हिसाब से कौन ज्यादा कॉपी करता है, क्या एप्पल एंड्रॉयड वाली कंपनीज को या एंड्रॉयड इकोसिस्टम को ज्यादा कॉपी करता है, या फिर एंड्रॉयड जो कंपनीज है वो एप्पल को ज्यादा कॉपी करती है? कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप में बता सकते हैं। और गाइस Realme पे फिर से आते हैं, बट पहले बात कर लेते हैं एक महंगी वाली अमीरों वाली चीज की। MagSafe का नाम सुना आपने? MagSafe Apple का जो होता है वो महंगा सा चार्जिंग वाला टेक, सुना होगा आपने? अगर सुने तो कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखो यस आई हैव हर्ड ऑफ MagSafe। तो यार MagSafe तो एक महंगी चीज है। Realme कह रहा है कि यार हम भी ऐसा ही एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, और Realme ने ट्रेडमार्क कर दिया है मैग डार्ट को। Yes, Realme की डार्ट चार्जिंग जो टेक्नोलॉजी होती है उसको लेके एप्पल का ये जो मैग सेफ वाला नाम है उसको लेके Realme बनाने वाला है जल्दी ही मैग डार्ट। चाचा गलत हो रहा है, कमाल हो रहा है यहाँ पे। और ये जो नया सा एक नाम है, ये जो नया सा एक प्रोडक्ट है, सब कुछ अलग है नहीं, सब कुछ नया है नहीं, ये भी अब हमें जल्दी ही मार्केट में देखने को मिलने वाला है। तो गाइस बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की तरफ, बट बिफोर दैट अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड वंस अगेन अगर आपने अभी तक स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, कर लेना चाहिए वैसे, बिकॉज आपको सबसे पहले जितने भी लीक्स हैं और जितनी भी टेक रिलेटेड खबरें हैं यहीं पे देखने को मिलेंगी 5 बजे हर शाम। तो यार कीजिए स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी को ज्वाइन, ये जो लाल रंग का बटन है इसको दबाइए, उसके साथ जो घंटी है उसको दबाना मत भूलिएगा, सो दैट आपको हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके अच्छे से डिवाइस पे मिलती रहे।
और गाइस वीडियो करते हैं खत्म पोको के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोको F3 GT स्मार्टफोन की। तो गाइस पोको ने आज ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि यार पोको F3 GT जो स्मार्टफोन है इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलने वाले हैं और साथ में आपको हाईफाई सराउंड साउंड की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। हाईफाई का मतलब होता है हाई फिडेलिटी। तो ये जो सराउंड साउंड है ये आपको पोको F3 GT स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है। वैसे बहुत बातें होगी यार पोको F3 GT स्मार्टफोन की। अब ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, लॉन्च होने तो अप्स एंड डाउन्स वगैरह आ जाएगी। अभी के लिए बात करते हैं पोको X3 GT स्मार्टफोन की। यस आई नो इसका भी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और पोको X3 GT जो स्मार्टफोन है आपको कंफर्मेशन देना चाहूंगा बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कि यार थाईलैंड की NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे आज मैंने पोको X3 GT स्मार्टफोन को स्पॉट कर लिया है। मोनिकर जो है इस स्मार्टफोन का ये फिर से कंफर्म हो गया। और इसके अलावा पोको X3 GT स्मार्टफोन की जो फर्मवेयर डेवलपमेंट है वो भी शुरू हो गई है गाइस। 2-3 GB की जो रोम होती है ना वो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है। तो यार अगर एक स्मार्टफोन का फर्मवेयर मार्केट में आ गया तो स्मार्टफोन भी लेके चलो भैया, जल्दी ही आने वाला है। और अगर आप पोको X3 GT का वेट कर रहे थे अब आपको ज्यादा वेट सर्टनली नहीं करना पड़ेगा। और गाइस डेस्कटॉप शूट करते करते काफी धमाके होते जा रहे हैं पीछे और पोको F3 GT जो स्मार्टफोन है इसकी लॉन्च डेट को फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दिया गया था एज July 22nd। OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन भी इसी दिन वैसे लॉन्च होने वाला है, बट उसके बाद पोको के ऑफिशियल्स ने मेरे को बताया कि नहीं, ये जो लॉन्च डेट है ये गलती से उन्होंने पोस्ट कर दिया। 23 जुलाई को पोको F3 GT जो स्मार्टफोन है ये इंडिया में लॉन्च होने वाला है। सो 22 को OnePlus Nord 2, 23 को आने वाला है इंडिया में पोको F3 GT स्मार्टफोन। सो गाइस ये थी आज की टेक न्यूज। आई होप आपको आज की वीडियो भी हर बार की तरह पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए, सदा ऑसम रहिए, फलते फूलते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। अ पीस। जय हिंद।